अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज हमने आपको 2012 सप्लीमेंट्री के एमसीक्यूज आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 2017 से लेकर 2011 तक के एमसीक्यूज सॉल्व किए, उनको अपलोड किया। आई होप आपने उन वीडियोस को देखा और उन वीडियोस से फ़ायदा उठाया। और आपसे रिक्वेस्ट है इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त तमाम एमसीक्यूज एक ही साथ ना देखें, डेली प्रैक्टिस करें, रूटीन बना लें कि एक दिन में एक ईयर के एमसीक्यूज आप मुकम्मल तौर पे देखेंगे। इस तरह 8-10 दिन में ये तमाम एमसीक्यूज आप इत्मीनान से देख पाएंगे और ये देर तक आपके जहनों में रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और ताकि उन स्टूडेंट को भी जो है वो फ़ायदा हो सके। अब बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एमसीक्यूज। इसमें पहला पार्ट पूछा गया है, डिफरेंशिएट ये लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू, ये बड़ी मारूफ फार्मूले हैं। डिफरेंशिएट करना है आपको किसको, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, बेटा साइन एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अंडरस्टूड सी बात है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलता है, कॉस एक्स के बराबर हासिल होता है। डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को तो इसका जवाब होगा कॉस एक्स। फिर आते हैं यहाँ पर इसके सेकंड पार्ट में, ये इंटीग्रल है 2x dx, ये 1 से 2, इसे नाम देते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल का। एक ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट मौजूद हो उस इंटीग्रल को डेफिनेट इंटीग्रल का नाम देते हैं। ये आपके पास 1 और ये 2, ये 2x dx लिखा हुआ है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अगर इसे आप i सपोज कर लें, ये 1 लोअर लिमिट है, 2 अपर लिमिट है, इंटीग्रेट करना है, 2 कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 से 2 रहेगा, x dx के बराबर आ जाएगा। बेटा ये 2 आ जाएगा, इस x को हम इंटीग्रेट करेंगे, x का मतलब x की पावर 1, पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, पावर में ऐड उससे डिवाइड कर देंगे और लिमिट आ जाएगी 1 से 2 पढ़ी जाएगी, ठीक है। और देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यू गेट एक्स स्क्वायर और ये 1 से 2 आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा होता क्या है, लिमिट अप्लाई करनी है, पहले कौन सी लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस फार्मूले का, फिर कौन सी लिमिट अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट। क्या है अपर लिमिट इसमें, 2 को अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह 2 लिखेंगे, स्क्वायर माइनस फार्मूले का, लोअर लिमिट 1 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इसका कंप्लीट जवाब आया 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है। ये पार्ट इससे पहले भी कई मरतबा आया, एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस क्वेश्चन को हम एफ प्राइम एक्स को आगे बढ़ा दें, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, एफ प्राइम को आगे बढ़ा दें एफ प्राइम एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस अंदाज से लिखा गया, सिंपल वे आपने पढ़ा है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल किसकी इक्वल होता है, ln x प्लस सी होता है, तो 1 अपॉन एक्स के बजाय 1 अपॉन फंक्शन लिखा हुआ है, साथ में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो ऑफ हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल जैसे ln x होता है तो 1 अपॉन फंक्शन का इंटीग्रल ln ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस ऑफ सी पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखें ये क्वेश्चन भी कई मरतबा हमने आपको सॉल्व कराया, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 3, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशन 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशन 1 है तो इस एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ होगा, इस एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ होगा, क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर दें, माइनस 2 से डिवाइड कर दें। बेटा 6 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 3 राइट, और माइनस 8 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये 4 आ जाएगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 3 माइनस 3 कॉमा 4 आ गया। ये एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछा गया, वाई इक्वल टू एल एन कॉज एक्स मालूम करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है। याद रहे डिफ्रेंशिएशन की दुनिया में एल एन के कोई माने नहीं होते, या तो एल एन एक्स पढ़ा जाता है या फिर एल एन बॉक्स पढ़ा जाता है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा 1 अपॉन एक्स के इक्विवेलेंट है, एल एन बॉक्स का डेरिवेटिव
वन अपॉन बॉक्स आ जाएगा और उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है बॉक्स को। तो बेटा अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा एल एन कॉज ऑफ एक्स। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे एल एन बॉक्स मान लेंगे, एल एन बॉक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन बॉक्स, वन अपॉन आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को। क्या लिखा है बॉक्स में, कॉज ऑफ एक्स लिखा हुआ है बेटा, ये वन अपॉन कॉज एक्स रहेगा। और जब आप इस डी अपॉन डी एक्स को आगे अप्लाई करेंगे कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया और बेटा ये रहा माइनस साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका रिजल्ट पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखें हम बात करते हैं इंटीग्रल कहा गया कॉस एक्स, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल भी होता है। ये कॉस एक्स आपको याद रखना है कि डिफ्रेंशिएशन में जब हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स प्लस ऑफ सी पढ़ा जाएगा। ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, डिफ्रेंशिएशन की दुनिया में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन में उसी कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। कहा जा रहा है इसके अगले पार्ट में स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई 5 के साथ है, 2x प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1 ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हर लाइन का स्लोप होता है। अगर इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला माइनस कोफिशियंट ऑफ x डिवाइड कर देंगे कोफिशियंट ऑफ y से, m रहेगा माइनस कोफिशियंट ऑफ x, बताएं x का कोफिशियंट 2 के बराबर है, कोफिशियंट ऑफ y का कोफिशियंट 1 के इक्वल है, तो कंप्लीट जवाब मिलेगा आपको माइनस 2 के बराबर। तो ये जो है इसे माइनस 2 कर दें, ये माइनस 2 इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है, देयर आर टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, वन इज नोन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, अदर इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हों, रेडियस आर के बराबर हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल एक सर्कल आपने ड्रॉ किया गया, आपको इससे मुतालिक कुछ नहीं पता, आप सपोज कर सकते हैं, क्या सपोज कर सकते हैं उसकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी सपोज करके काम कर सकते हैं। ये पार्ट देखें, कई मरतबा पूछा गया प्रीवियस लेक्चर्स में, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है कि पैराबोला अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला पॉइंट ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स का स्टैंडर्ड हो तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, जनरलाइज हो तो जनरल हो तो इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के होते हैं। इस वक्त ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को एक्स माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर 4 टाइम्स वाई माइनस सॉरी ये 3 है वाई माइनस 3 आ जाएगा। अच्छा इसे कंपेयर करेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, इसे जनरल फॉर्मूले से कंपेयर कर लें, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4a वाई माइनस के। तो बेटा यहाँ पर एच की जगह एक्स एक्स से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, एच माइनस टू के बराबर आया, वाई वाई से कंपेयर हुआ, के की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के होते हैं, यहाँ एच की जगह माइनस टू के की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे। इसके अगले पार्ट में देखें, कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं हाइपरबोला बनाते वक्त ये एक रेक्टेंगल हमने प्लॉट किया और इस रेक्टेंगल में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी गई, ये 2 लाइन्स हमने ड्रॉ कर दी और ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। इसको इस पूरी शेप को
हाइपरबोला का नाम देंगे। ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। इन दोनों वर्टेक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है, इसके बराबर है 2a के बराबर है। अब ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, बट इसको कंपेयर करेंगे हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से कंपेयर करें इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू मिली 3 के बराबर, ठीक है, और बी की वैल्यू मिल गई 2 के बराबर। तो ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डायग्राम से क्या बताया, वर्टिसेस दरमियान डिस्टेंस 2a के बराबर है। क्या है a की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रिजल्ट कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। इसको इतने ही रखें, इंशाल्लाह अगले क्लास में हम और वीडियो आपको कराते और क्वेश्चन आपको कराते हैं। थैंक यू।